खाली जेब ने कभी किसी को पीछे नहीं रखा, सिर्फ खाली दिमाग और खाली दिल इंसान को पीछे रखते हैं। जब भी आपको आपकी ज़ात के बारे में कोई मनफी सोच जहन में आ जाए, जानबूझकर उसको मनसूख करने के लिए कोई मुसबत आवाज़ दें। मुझे यकीन है कि हर इंसान कोई भी काम बेहतर कर सकता है अगर उसे उस काम के मुताबिक माहौल फराहम किया जाए। छोटी शुरुआत से ही बड़ी कामयाबी मिलती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप दूसरों से नहीं सीख सकते, आपको खुद इस आग से गुजरना होगा। जिस काम से आप खौफज़दा हैं वही पहले करें, तो बहुत जल्द ही आपका खौफ इस काम के बारे में ख़त्म हो जाएगा। नाराज़गी उस शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती जिससे आप नाराज़ हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी और आपके दिमाग को बुरी तरह नुकसान देती है। तमाम कामयाब लोगों का एक गोल होता है, कोई भी अपने गोल को उस वक़्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसे ये मालूम ना हो कि वो कहाँ जाना चाहता है और क्या बनना चाहता है। खामोशी आपको वो फल देती है जिससे इंसान की शख्सियत बढ़ती है। जहाँ हो वहाँ से शुरू करो, चीज़ों को बदलने के लिए किसी और का इंतज़ार ना करो। ये जान लें कि नाउम्मीद हालात नहीं होते, आप नाउम्मीद रवैया अख्तियार करते हैं। हम पचीदगियों के साथ जद्दोजहद करते हैं और सादगी से गुरेज करते हैं। ज़िंदगी में सबसे बड़ा रिस्क किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना है। कभी भी सब कुछ एक साथ करने की कोशिश ना करें, वरना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमेशा पुरउम्मीद रहें, ख़ास तौर पर जब आपके हालात काफ़ी मुश्किल हों। एक मसले के सामने मुसलसल खड़े रहो और उसे रास्ता ना दो, ये आखिरकार टूट जाएगा। एक शख्स जो आपको पूरी तरह खुश और कामयाब होने से रोकता है, वो तुम खुद हो। क्या काम को अधूरा छोड़ने से भी ज्यादा कोई बात दुख दे सकती है? ज़िंदगी की खुशी का एक हिस्सा लड़ाई लड़ने में नहीं बल्कि इनसे बचने में होता है। एक बार मैंने एक कामयाब इंसान से उसकी कामयाबी का राज पूछा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे ये जवाब दिया, अगर आप ज़िंदगी से प्यार करते हैं तो ज़िंदगी आपको ज़रूर प्यार देगी।